हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको क्रोशी का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर पैटर्न है और बनाने में बिल्कुल इजी है। तो आप चाहें तो उस पैटर्न से आप क्रोशी की जैकेट बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, या आप चाहें तो मफलर भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो हम पैटर्न बनाएंगे, इसके लिए आपको 4 के मल्टीप्लाई चेन्स लेनी है। 4 के मल्टीप्लाई प्लस 1 चैन लेनी है आपको। तो ये मैंने ले ली है, 37 चैन ली है मैंने। इसके बाद मैं 5 चैन्स और बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिपल क्रोशी बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशी के लिए हमें ये देखिए, एक बार लपेटा क्रोशी पे, दूसरी बार लपेटा। अब ये जो हमने 5 चैन्स बनाई थी, इससे जस्ट पहले वाली चैन को 2, 3, 4, 5 ये देखिए, तो ये 5 चैन्स बनाई थी, उससे जस्ट पहले वाली चैन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशी के लिए देखिए, हमने 2 बार लपेटा था। अब ये हमारे पास ये 4 स्टिचेस हो गए। 4 के हम करेंगे 3, 3 के हमारे पास हो गए 2 और 2 का हो गया 1। ये देखिए, ये बन गया हमारा। अब सेम इसी स्टिच में हम एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 1, अब हम जो नेक्स्ट वाला स्टिच है, इसमें भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए लपेटा हमने और जस्ट पास वाले स्टिच में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। ये हमारे पास ये 2 स्टिच हैं, इनमें हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम क्या करेंगे, वापस से लपेटेंगे उनको। यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1, 2 और थर्ड वाले स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और फिर ये 2। अब फिर जस्ट इसके पास वाले में भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमारा ये इस तरीके से आएगा। ये हमारी फर्स्ट तो फाउंडेशन चैन थी, उसके बाद हमने 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए 2 स्टिच में, फिर 2 स्टिच छोड़े हैं, फिर 2 स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। तो ये हमें जो राउंड है, इस तरीके से पूरा करना है। ये वाला जो रो है, हमें इस तरीके से पूरी करनी है। 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड और फोर्थ वाले में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाले में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें ये पूरा करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ लास्ट तक बना लिया है। 12 अब हमारे पास 3 स्टिच और बचे हैं। तो मैं ये 1, 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमारी रो पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, नहीं 5 स्टिच चैन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम ये देखिए, इसमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया की तरह लपेटेंगे 2 बार। ये लपेटा हमने और ये देखिए, ये जो हमारा ये स्टार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, ये 4 स्टिच का, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है, इसमें हम इस तरीके से ये लेंगे
ये हमने स्टिच लिया और सिर्फ इसको एक बार बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास फोर स्टिच हो गए, फोर के हम थ्री कर देंगे बस। फिर वापस से लपेटेंगे और ये देखिए ये जो फोर डबल क्रोशिए का ये लास्ट वाला स्टिच है, ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने बनाने से पहले एक बार लपेटा है और इसको इसमें से निकाल लेंगे हमारे पास वापस से। अब हमारे पास फाइव डबल क्रोशिए हो गए। अब देखिए क्या करना है, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये हमने चौथी बार, ये हो गया हमारा स्टिच। अब हम क्या करेंगे, चैन टू बनाएंगे, वन टू। और ये जो जॉइंट है इन दोनों स्टिच का, ये देखिए फर्स्ट इसका इसका, यहाँ पे हम ये देखिए ये इस तरीके से क्रोशिए को डालेंगे। पहले एक बार लपेटेंगे, क्रोशिए को इसमें डालेंगे इस तरीके से और यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिए बना देंगे, ये देखिए। और फिर हम दो बार लपेटेंगे धागे को और ये देखिए ये वाले जो स्टिच का ये देखिए ये है स्टिच हमारे चार, इसका ये फर्स्ट वाला स्टिच, इसमें हमने स्टिच निकाला और ये चार स्टिच है, हमें चार के हमें तीन करने हैं। ये दो स्टिच में से हम निकाल देंगे, हमारे पास तीन हो गए। ये देखिए अब फिर वापस से लपेटेंगे और यहाँ की इन चार स्टिच का लास्ट वाला जो स्टिच है इसमें हम डालेंगे और फिर इनको बना देंगे इस तरीके से। एक ये दूसरी बार निकाला, ये तीसरी बार निकाला, चौथी बार। फिर चैन टू बनाएंगे, वन टू। और ये जो जॉइंट है यहाँ पे, यहाँ दो स्टिच आ रहे हैं, ये देखिए ये और इसके जस्ट पास वाला यहाँ, यहाँ पे हम वन डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से मैं ये वाली रो पूरी कर लूंगी। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है, देखिए अब ये मैंने एक बार तो बना लिया, अब ये लास्ट वाला स्टिच हमें बनाएंगे हम। तो ये लास्ट वाला स्टिच देखिए यहाँ पे बनाएंगे हम, यहाँ पे फाउंडेशन चेन बनाई थी इससे जस्ट पहले, ये देखिए यहाँ पे आइए। चैन टू बनाएंगे, वन हाफ डबल क्रोशे बना देंगे इसमें। इसके बाद हमें यहाँ ये जो फाउंडेशन चैन है इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए ये देखिए दो बार लपेटेंगे और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक वन टू थ्री। अब हम फिर से फाइव चैन्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको इस तरीके से लपेट लेंगे इस तरफ। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो स्टिच बनाए थे हमने, ये जो गैप है इनमें हर एक में हमें फोर फोर डबल क्रोशिए बनाने, फोर ट्रिपल क्रोशिए बनाने। ये वन, टू, थ्री और ये फोर। फिर आगे वाले इसमें बनाना है हमें फोर ट्रिपल क्रोशिए। तो देखिए मैंने ये लास्ट तक बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये स्टिच है यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे
अब हमें वापस से यही वाली रो बनानी है, तो इस तरीके से हम ये बनाते चले जाएंगे। तो देखिए कितना आसान था बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।